प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 8 साल पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर बीजेपी के प्रवक्ता शादाब ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के 8 साल बेमिसाल रहे हैं और यदि कांग्रेस कहती है कि ये 8 साल निराशाजनक रहे हैं तो सच है। कांग्रेस के लिए ये 8 साल निराशाजनक रहे हैं क्योंकि 8 साल में कांग्रेस की सत्ता धीरे धीरे सभी राज्यों से समाप्त हो रही है। कांग्रेस जो चुनाव लड़ती है वो हमेशा हारती हुई नजर आ रही है। मोदी जी के 8 साल बेमिसाल सुशासन सप्ताह के रूप में हम लोग मना रहे हैं और अगर कांग्रेस ये कहती है कि ये 8 साल निराशाजनक रहे तो बिल्कुल उनके हिसाब से तो निराशाजनक रहे। 8 साल में उनकी सत्ता धीरे 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 तमाम प्रदेशों से बाहर होती चली गई। वो विचारधारा जो देश को अलग दिशा में लेके जा रही थी उस विचारधारा को लोगों ने नकार दिया। कांग्रेस जो चुनाव लड़ती है वो चुनाव हार जाती है। उनके लिए तो निराशा भरा रहा है 8 साल, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज बन गई है और लोग कांग्रेस को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अब कांग्रेस के चिंतन शिविरों में इस बात पर चिंतन हो रहा है कि कांग्रेस परिवार का क्या होगा।